देश में धारा 370 की समाप्ति पर लगभग हर तरफ जश्न का माहौल है और हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। प्रदेश के ऊना में बीजेपी ने आतिशबाजी कर और नारेबाजी कर इसका उत्सव मनाया। पार्टी नेतृत्व ने इसे जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि बताया है। पार्टी प्रवक्ता राम कुमार ने इसका पूरा श्रेय मोदी शाह की जोड़ी को दिया है। देश में धारा 370 की समाप्ति पर लगभग हर तरफ जश्न का माहौल है और हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। प्रदेश के ऊना में बीजेपी ने आतिशबाजी कर और नारेबाजी कर इसका उत्सव मनाया। पार्टी नेतृत्व ने इसे जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि बताया है। पार्टी प्रवक्ता राम कुमार ने इसका पूरा श्रेय मोदी शाह की जोड़ी को दिया और कहा कि धारा 370 हटाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक देश एक विधान के स्वप्न को साकार कर दिखाया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए सर्वाधिक हितकारी निर्णय बताया है। जम्मू कश्मीर को हमेशा के लिए भारतवर्ष का अभिन्न अंग बनाने का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना कि इस देश में एक विधान हो, एक निशान हो, एक प्रधान हो, श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते आज साकार हुआ है। आज इस प्रकार का फैसला केंद्र सरकार ने किया है कि जिसके तहत जम्मू कश्मीर से एक तरफ धारा 370 और 35 को समाप्त किया गया, लद्दाख जो सांस्कृतिक रूप से जिसकी अलग पहचान थी उसको जम्मू कश्मीर से अलग करके उसको एक केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया और साथ में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा ना देकर, राज्य का दर्जा हटाकर उसको एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है, अकल्पनीय फैसला है। आज जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने पूर्व से उसकी योजना की थी, आज उसका ये नतीजा है कि जो योजना केंद्र सरकार ने की थी वो पूर्ण रूप से सफल होती दिख रही है और अब कश्मीर जो हमेशा हमारे सैनिकों के बलिदान लेता आया है ये अब सिलसिला बंद होगा। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होगा और भारत का कोई भी व्यक्ति आज से अब जम्मू कश्मीर में जाके बस सकता है, वहाँ रह सकता है। और जो जम्मू कश्मीर से लोग, जो कश्मीरी पंडित वहाँ से आतंकवाद के चलते, वहाँ के आतंक के माहौल के चलते चले गए थे, अब पुनः उनको अपने घर में, अपने क्षेत्र में आने का अवसर मिलेगा। ये सब तब संभव हुआ है जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते ये फैसला लिया है।